अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ मी निसार एंड यू आर वाचिंग निसार MLT। व्यूअर, आज मैं आपको वाटर बाथ के बारे में बताऊंगा कि वाटर बाथ हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और ये हमारे पास क्या चीज़ है। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन में है हमारे पास वाटर बाथ इज़ अ लेबॉरेटरी इंस्ट्रूमेंट मेड फ्राम अ कंटेनर फिल विद हीटेड वाटर। ये हमारे पास एक लेबॉरेटरी का इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जो हम लेब में यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हीटेड वाटर है, मतलब गर्म पानी होता है इसके अंदर। It is used to maintaining a uniform temperature of the fluid and water at a constant temperature over a long period of time. इसको हम यूज़ करते हैं कि इसके अंदर जो फ्लूड होता है वो उसके अंदर क्या हो, यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम उसके अंदर सैंपल रखते हैं तो उसका जो कॉन्सटेंट टेम्परेचर है उसके अंदर वो क्या हो, वो मेंटेन हो, मतलब वेरिएबल ना हो, इसके अंदर कोई चेंजेस ना हो। अवेलेबल इन अ रेंज ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम 2 लीटर टू 28 लीटर। हमारे पास वाटर बाथ की कैपेसिटी 2 लीटर वाटर से लेकर 28 लीटर वाटर तक है, मतलब कुछ वाटर बाथ ऐसे है जिसके अंदर हमारे पास 2 लीटर वाटर आता है, कुछ हमारे पास जो है हाई वाटर बाथ जो है जो बड़े बड़े लेबों में यूज़ होते तो वो हमारे पास क्या है, इसकी कैपेसिटी 28 लीटर हीटेड वाटर इसके अंदर होता है। चलिए आगे चलते, ये इमेज आपको दिखाई दे रहा है व्यूवर, ये हमारे पास एक जनरल सा स्ट्रक्चर है, इसका ड्रेन वाल्व यहाँ पे, ये जो है ये वाटर बाथ का क्या है, ड्रेन वाल्व है, या इसके अंदर जो वाटर होता है इसको हम ड्रेन करते हैं यहाँ से। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है लेवल फुट। तो लेवल फुट पर जनरली हम इसको बैलेंस बरकरार रखते हैं, इसकी बैलेंस इस लेवल फुट के ज़रिए से होता है। ये हमारे पास एक कवर और ये हमारे पास वाटर बाथ का क्या है, कंट्रोल बॉक्स है। चलिए आगे चलते हैं। Used to enable certain chemical reaction to occur at a high temperature. वाटर बाथ को हमारे पास हमारे साथ क्या करता है, इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर्स पे, तो वो हाई टेम्परेचर पे होता है तो क्या करता है, प्रिवेंट एक्सेसिव इवेपोरेशन ऑफ द फ्लूइड बीइंग हीटेड। तो इसके अंदर से हमारे पास वाटर बाथ के अंदर जो हाई टेम्परेचर होता है तो उसके दरमियान कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जो क्या करता है, फ्लूइड के अंदर जो फ्लूइड से जो इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन ऑफ द फ्लूइड बीइंग हीटेड, तो वो क्या करता है, इसको प्रिवेंट करता है कि इससे एक्सेसिव इवेपोरेशन ना हो। इट इज़ आल्सो यूज्ड व्हेन सेवरल ट्यूब आर टू बी हैंडल व्हाइल मेंटेनिंग द टेम्परेचर्स ऑफ द कंटेंट लाइक ईजी कोगुलेशन टेस्ट, ब्लड बैंकिंग, इनक्यूबेशन बटल ऑफ कल्चर। इट इज़ आल्सो यूज्ड व्हेन सेवरल ट्यूब आर टू बी हैंडल, ये हमारे पास उस वक्त भी यूज़ होता है ये वाटर बाथ, जहाँ पे हमारे पास बहुत सी ट्यूब्स व्हाइल हैंडल व्हाइल मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट, कि इस नीचे दिए गए ऑप्शन में कंटेंट में हमारे पास क्या हो, जब टेम्परेचर हमें बरकरार रखना हो, जैसे कि कोगुलेशन टेस्ट में, ब्लड बैंकिंग में, इनक्यूबेशन जो बटल्स होते हैं हमारे पास जो कल्चर के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम उसके अंदर वाटर बाथ के अंदर रखते हैं उसके टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ वाटर बाथ। वाटर बाथ की जो टाइप्स है वो है एक सर्कुलेटिंग वाटर बाथ, नॉन सर्कुलेटिंग वाटर बाथ एंड शेकिंग वाटर बाथ। फिर इसके पार्ट्स की तरफ हम आते हैं कि मतलब इसके अंदर जितने पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ वाटर बाथ पे अगर हम बात करें, अ ट्रफ ऑफ इंसुलेटेड मेटल यूजुअली स्टेनलेस मेड विथ स्टेनलेस स्टील। वाटर बाथ के अंदर हमारे पास एक ट्रफ होता है, ट्रफ क्या होता है, इसके अंदर ये इंसुलेटेड मेटल से बना होता है, यूजुअली स्टेनलेस स्टील। और वाटर बाथ में हमारे पास जो स्टील यूज़ होता है वो एक्चुअली क्या है, स्टेनलेस। स्टेनलेस मीन जिसको जंग नहीं लगता, इसके अंदर इंक्रस्टेशन नहीं होता। दूसरे पॉइंट में है एन इलेक्ट्रिक एलिमेंट टू हीट द वाटर कंटेन इन द ट्रफ। इसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट भी यूज़ होता है जो क्या करता है, इसके अंदर जो ट्रफ के अंदर जो वाटर हमने रखा है वाटर बाथ में, इसको हीट देता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। अच्छा, अ प्रोपेलर और स्टीरर टू सर्कुलेट द वाटर इन द ट्रफ इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द ट्रफ। इसके अंदर एक स्टीरर भी है जो वाटर को सर्कुलेट करता है इस तरह पोजिशन में, जो ट्रफ के अंदर क्या करता है कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर हमारे पास उस ट्रफ के अंदर क्या करता है, जनरेट करता है। थर्मोस्टेट टू चेक द टेम्परेचर, थर्मोमीटर टू चेक द टेम्परेचर। थर्मोमीटर के जरिए हम वाटर बाथ की टेम्परेचर भी चेक करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि जिसकी वाटर बाथ की जो वाटर है उसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम ये चीज़ रखते हैं, ये थर्मोमीटर जो हमें क्या करता है, ये चीज़ हमें डिटेक्ट करता है सामने से कि इसके अंदर इतना टेम्परेचर है इस वक्त। अ थर्मोस्टेट यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट लेवल। थर्मोस्टेट हमारे पास इसके अंदर एक लगा होता है जो एक
निशान सा होता है जिसमें हमें इतना हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितना टेम्परेचर देना है इसको, टू मेंटेन द टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट लेवल। कि यहाँ पे हमारे पास थर्मोस्टेट इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो हमारे पास वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट लेवल पे हमारे साथ क्या हो, बरकरार हो, मेंटेन हो। अच्छा, ऑपरेशन, ऑपरेशन की तरफ अगर हम आते हैं, ऑपरेशन का मतलब है कि इसके अंदर जो ये हमारे पास जो काम करता है वाटर बाथ, तो किन चीज़ों की वजह से काम करता है, मतलब इसके अंदर क्या क्या होंगी। पिल द ट्रॉफ विद क्लीन प्रिफरेबली डिस्टिल्ड वाटर टू ए डिजायर लेवल एंड देन स्विच ऑन द मशीन। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वाटर बाथ के अंदर हम क्या करेंगे, वाटर डालेंगे, जाहिर बात है, फिर वो ज़्यादातर हमारे पास क्या हो, डिस्टिल वाटर हो, डीआयनाइज्ड वाटर हो, टू अ डिज़ायर लेवल एंड देन स्विच ऑन द मशीन। डिज़ायर लेवल से यहाँ पे मुराद ये डिज़ायर लेवल, मतलब जितना पानी हमें ज़रूरत होता है। आपने मैंने आपको बताया कि 2 लीटर से लेकर 28 लीटर तक कैपेसिटी वाले हमारे पास वाटर बाथ मिलते हैं, जो हम तो हमें जितना ज़रूरत हो उतना डिज़ायर लेवल तक उसको लेके जाना है और इसको मशीन को जो है हमारे पास क्या है, हमें स्विच ऑन करना है। सेट द थर्मोस्टेट टू द डिज़ायर टेम्परेचर। अच्छा, थर्मोस्टेट को हमारे पास या फिर हमें डिज़ायर लेवल पे इसको लेके जाने की कितना वाटर इसके अंदर रखने और या फिर अपनी डिज़ायर लेवल तक टेम्परेचर भी देना है कि कितना हो, जो हमें डिज़ायर होता है हमें इतना देना है उसको। एंड अलाउ द वाटर टू वार्म टू दैट टेम्परेचर, और इसको अलाउ करना है कि हमारे पास जो टेम्परेचर हमने दिया है तो उस टेम्परेचर पे हमें क्या करें, इस वाटर को वार्म करें, हीट दे उस वाटर को, इस वाटर को क्या करें, हीट अप करें। चेक द टेम्परेचर फ्रॉम द थर्मोमीटर। अच्छा, हमें फिर किस तरह पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर कितना है, थर्मोमीटर के ज़रिए से। जाहिर बात है, इसके अंदर हम थर्मोमीटर क्या करेंगे, थोड़ा सा डेप्थ करेंगे तो वो हमारे पास उसका रिज़ल्ट जो है हमें देगा कि इसके अंदर अब इतना टेम्परेचर चल रहा है। अच्छा, तीसरे नंबर पॉइंट पे देखिए, प्लेस द कंटेनर और ट्यूब दैट आर टू बी वार्म्ड इन द ट्रफ। अच्छा, वाटर बाथ के अंदर अगर आप कंटेनर या ट्यूब्स रखेंगे तो हमारे पास वो ट्रफ के अंदर क्या होंगे, वार्म होंगे, हीट अप होंगे, मतलब इसको हीट मिलेगी तो क्या होगा, वो वार्म अप होंगे। अच्छा, प्रिकॉशन और मेंटेनेंस की तरफ आते हैं, तो प्रिकॉशन और मेंटेनेंस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले है क्लीन द ट्रफ इंटीरियर एंड चेक द वाटर डेली और यूज डीआयनाइज्ड वाटर टू प्रिवेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द ट्रफ, इट विल आल्सो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंजाई इन एल्जी। इस पूरी सेंटेंस का मतलब यह है कि ट्रफ के अंदर के पार्ट को आपने क्लीन करना है और इसके अंदर जो वाटर आपने यूज़ किया है तो वो डेली बेसिस पे क्या हो, उसको उसको डिस्कार्ड करें और दूसरे नया जो नया पानी है उसके अंदर हम डालें, और ज़्यादातर क्या करें, डीआयनाइज वाटर यूज़ करें। जो डीआयनाइज वाटर जो है हमारे पास कौन से पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कि इसके अंदर इनकंस्ट्रेशन ना हो। इनकंस्ट्रेशन का मतलब ये है कि हमारे पास इसके अंदर एक हार्ड सा रेडिश स्ट्रक्चर आता है जिसको हम जंग कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब डीआयनाइज वाटर यूज़ करते हैं उसके अंदर जंग नहीं लगता ट्रफ को। इट विल आल्सो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंजाई इन एल्जी। अच्छा, वाटर बाथ के अंदर अगर कोई सैंपल है, कोई ट्यूब, कोई कंटेनर हमने रखा है, तो इसकी खासियत ये कि इसके टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर फंजाई या कोई एल्जी वगैरह का ग्रोथ नहीं होता। प्रिकॉशन में दूसरे नंबर पर है हमारे पास, कीप द लेट क्लोज व्हेन नॉट इन यूज टू प्रिवेंट इवैपोरेशन ऑफ द वाटर। वाटर बाथ के ऊपर जो लेड होता है उसको आपने क्लोज करना है इन यूज़ टू प्रिवेंट इवैपोरेशन ऑफ द वाटर, कि इसके अंदर जब कोई सैंपल चल रहा है, सैंपल आपने रखा है और वो मशीन स्विच ऑन है, तो आपने इसके ऊपर जो लेड है वो बंद रखना है। पीरियडिकली चेक एंड काउंटर चेक द वाटर टेम्परेचर, वक्तन फ़वक्तन आपने उसकी जो वाटर टेम्परेचर है उसको चेक करना है विद इन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल थर्मोमीटर। उसके अंदर जो है इंटरनल और एक्सटर्नल थर्मोमीटर दोनों के जरिए से, कि इंटरनल हमारे पास उसका टेम्परेचर क्या है और एक्सटर्नली उसका टेम्परेचर क्या है। द थर्मोमीटर शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट इज़ अवे फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट इन द वॉल। अच्छा, या इस बात का मतलब यह कि थर्मोमीटर को आपने इस तरीके से रखना है इसके अंदर कि क्या हो, ये थर्मोमीटर हमारे पास जो वाटर बाथ की वाल्स है या हीटिंग एलिमेंट है जो इसको हीट दे रहा है इस वाटर बाथ को, इसे आपने थोड़ा इसे दूर रखना है। इस बात का मतलब ये है कि थर्मोमीटर हमारे पास क्या करता है, वो हमें टेम्परेचर शो करता है। तो जाहिर बात है वो तो हमें वाटर का टेम्परेचर शो करता है, लेकिन हम अगर इसको हीटेड वाल की तरफ करीब करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, हमारे पास ये हमें गलत रिजल्ट देंगे, क्योंकि एक उसके अंदर जो गर्म वाटर है हीटेड वाटर उसका रिजल्ट देगा और एक जो उसका टेम्परेचर है तो वो हीटेड वाल के ज़रिए से होगा। अच्छा, तो थैंक यू व्यूअर, ये था आज का हमारा टॉपिक वाटर बाथ। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बेशक आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चलो चलते हैं, खुदा हाफिज़।